हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई स्टोरी के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक कार्य हमें सही समय पर निर्धारित करने चाहिए, जिससे कि हमें आगे चलकर कभी किसी बात की परेशानी ना उठानी पड़े। आज की मेरी स्टोरी कुछ इसी तरह की है। प्रीति आज बहुत परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो रहा था पर उसे अपने जूते मिल ही नहीं रहे थे। उसे परेशान देख उसकी माता रसोई से काम छोड़कर दौड़ी चली आई और बोली, प्रीति कल स्कूल से आकर तुमने जूते कहाँ उतारे थे? पर प्रीति को कुछ याद हो तो वो बताए। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उसकी दीदी को प्रीति के जूते नज़र आ गए। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। प्रीति ने जूते देखे तो वह उछल पड़ी। वह बोली, हाँ हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग रूम में काम कर रही थी, तभी जूते उतारे थे। माँ ने कहा, प्रीति अगर तुम्हें ये बात पहले से याद आ जाती तो क्या इतनी परेशानी होती? स्कूल के लिए भी देर नहीं होती। पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक सही जगह बना लो, बस वे फिर कभी खोएंगे ही नहीं। प्रीति रोज सोचती कि मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु वह रोज भूल जाती थी। आज उसने निश्चय किया कि वह अपनी प्रत्येक चीज़ एक सही जगह पर रखेगी। आज इस लापरवाही की वजह से स्कूल जाने में भी देर हो चुकी थी। आज उसका हिंदी का पेपर था। यही सोचते सोचते प्रीति स्कूल जा रही थी। परंतु दोपहर में जब प्रीति स्कूल से घर वापस आई तो उसने अपने जूते ठीक जगह पर उतारे जहां मम्मी ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबे भी सही जगह पर रखी। इतना ही नहीं, उसने अपना बस्ता अपनी अलमारी के सही खाने में रखा। उसने कपड़े उतारने के बाद तय करके रखे। मम्मी मुस्कुराते हुए यह सब देख रही थी और वह बोली, वाह, आज तो प्रीति बहुत बदल चुकी है। माँ को मुस्कुराता देख प्रीति बोली, मम्मी आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर ही रखूँगी। यह सुनकर माँ ने उसे प्यार किया। वह बोली, हाँ प्रीति, अब तुम एक समझदार लड़की बन गई हो। देखना, अब तुम्हें कभी भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं समय का सदुपयोग, और एक जगह निर्धारित कर अपने समय की बचत करना।